अहम अग्नि हृदय जरे गुरु सो चाहे मान, तिनका जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। गुरु और शिष्य की कहानी है, उनके संबंधों के विषय में है। अहम की आग सीने में धकाधक जल रही है, अहम कहता है मुझे मान्यता मिले, स्वीकृति मिले, प्रशंसा मिले। और अहम की दृष्टि में जो छोटे हैं उनसे तारीफ लेने से मजा क्या है, वहां कुछ खास नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा हो उससे तारीफ मिलनी चाहिए। तो अहंकार सबको निशाना बनाता है, अहंकार इससे तारीफ मांगता है, अहंकार उससे तारीफ मांगता है। जिससे ना मिले उसी को अपना दुश्मन बना लेता है। और अंततः अहंकार गुरु से भी मान्यता चाहता ही चाहता है, गुरु से भी प्रशंसा चाहता ही चाहता है। ये जो अहम की आग है इसमें गुरु को भी वो जला ही डालता है। अहम अग्नि हृदय जरे गुरु सो चाहे मान, वो गुरु को भी नहीं बख्शेगा। गुरु ने भी अगर कह दिया कि तुझ में कुछ कमी थी, वो गुरु को भी जला देगा। ठीक वैसे ही जैसे वो सारे संसार को जलाने को तत्पर है, वैसे ही वो गुरु को भी जला देगा। गुरु भी तभी तक स्वीकार्य है जब तक वो तुम्हें अनुमोदन देता रहे कि बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। जिस क्षण गुरु भी तथ्य रख दे सामने कि आंखें बंद है तुम्हारी और पागल हो, नींद में चल रहे हो, बेहोशी में नाच रहे हो, तुम गुरु को भी नहीं बख्शोगे। क्योंकि गुरु कितना भी बड़ा हो तुम्हारे अहंकार से छोटा ही है। गुरु कितना भी बड़ा हो वो सिर्फ एक साधन की तरह है तुम्हारी अहंता को बढ़ाने के लिए। मैं कौन, जिसकी अ ने तारीफ की, ब ने तारीफ की, स ने तारीफ की और जिसकी गुरु ने भी तारीफ की। अब ये तुम्हारे ऊपर बड़ा बट्टा है कि अ ने तारीफ की, ब ने तारीफ की, स ने तारीफ की, लेकिन गुरु ने नहीं की। ऐसे गुरु को तो तुम जला ही दोगे अपने अहंकार की आग में। और कोई और ना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तब गुरु भी ना करे तो चल जाएगा। पर उसी गुरु ने अगर उंगली पकड़ के तुम्हें ऐसा बना दिया है कि अब दो चार लोग तुम्हारी वाहवाही करने लगे हैं, पर गुरु स्वयं नहीं कर रहा अभी क्योंकि उसे दिख रहा है कि तुम कहीं के नहीं हो, तो गुरु तुम्हें बहुत अखरेगा। आंख में रेत की तरह चुभेगा वो। हत्या भी कर सकते हो क्योंकि वो आखिरी है जो तुमको अहंकार के शीर्ष पर जागने से रोके हुए है। पूरी दुनिया ने तो मान ही लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया कि तुम महान हो और अब गुरु खड़ा हो गया है तुम्हारे रास्ते में। तुम उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम कहोगे जब तक कोई मुझे कुछ नहीं मानता था, मैं दो कौड़ी का था, तब तुमने मुझे धक्का दिया, सहारा दिया, और अब जब पूरी दुनिया मेरी स्तुति करने को तैयार है तुम मेरी राह का कांटा बन गए। उखाड़ फेंको इस कांटे को, क्योंकि मैं दोहरा रहा हूं गुरु कितना भी बड़ा हो तुम्हारे अहंकार के सामने बहुत छोटा है, कोई हैसियत नहीं उसकी।
अहम अग्नि हृदय जरे, दिल में लपटे ही लपटे हैं अहंकार की, वो गुरु को भी जला डालेंगी, कोई कीमत नहीं छोड़ेंगी उसकी। पुरानी एक कहानी है जो कहती है कि चांद के सबसे प्यारे दोस्त तारे हैं और चांद को जिसकी ओर देखना बिल्कुल नहीं सुहाता वो सूरज है। इसी कारण चांद सिर्फ तब आता है जब सूरज नहीं होता। तारों के साथ खेलता है, पूरी रात तारों के साथ रहता है, सूरज के साथ कभी नहीं रहता। क्यों? हमारी नींद हो जाएगी ना उसकी, मिट जाएगी, दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है उसकी रोशनी सूरज की दी हुई है। चांद का बस चले तो सूरज को खत्म ही कर दे। जब भी चमकता है उसको यही एहसास होता है, जानता है वो, मेरा इसमें क्या है, मिला तो किसी और से। लेकिन अब दिक्कत है, ये बात वो स्वीकार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के तमाम शायर हैं जो चांद की तारीफें करते रहते हैं। इन पगले शायरों ने चांद को यह एहसास करा दिया है कि वो बड़ा सुंदर है। चांद को कभी यह गुमान नहीं था, पर इन शायरों की तालियों ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। इन शायरों ने कभी चांद से कहा ही नहीं कि जो तुझे रोशनी देता है उसके बारे में तो कुछ बता। ये सब यही कहते रहते हैं, चांद का हुस्न, चांद का हुस्न। अब कौन सा हुस्न है चांद में? तो चांद के सामने बड़ी झंझट है, करे क्या? शायरों को बता नहीं सकता कि ये जो मेरी प्यारी चांदनी है मेरी है ही नहीं। न जी पा रहा है न मर पा रहा है। करवा चौथ की छन्नी में हो रहा है। तो गुरु बहुत बड़ी झंझट है, बहुत बड़ी झंझट है। तब तक जब तक उससे बिल्कुल मिल ही नहीं गए, वैसे ही नहीं हो गए। गुरु से दूरी तो झंझट है ही, पर वो छोटी झंझट है। ज्यादा बड़ी झंझट है गुरु से नजदीकी। जितना नजदीक आओगे उतना कष्ट बढ़ेगा। एक ही उपाय है आखिर में कि वैसे ही हो जाओ, सूरत समान ही हो जाओ। खुद जल उठो, वरना सिर्फ ईर्ष्या मिलेगी। और बड़ी ईर्ष्या उठती है गुरु से, जबरदस्त ईर्ष्या। क्योंकि जितना करीब आते जा रहे हो गुरु की रोशनी से, उतना नहाते जाओगे। शायरों की और समाज की तारीफें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लोगों को लगने लगेगा कि तुम आलोकित हो उठे हो, पर तुम तो जान रहे होगे ना कि अभी मेरा कुछ नहीं है। और इस कारण बड़ी बेचैनी रहेगी। अब इस बेचैनी में दो काम कर सकते हो, कि चांद तलवार लेकर के सूरज पे हमला कर दे, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि चांद भुला ही दे सूरज को, इग्नोर। और तीसरा विकल्प ये है कि सूरज जैसा ही हो जाए।
अब उसमें और सूरज में कोई अंतर ही नहीं रहा, मिल गए। कभी रुके नहीं है, आगे भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो तुम गुरु के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, उसमें इतना ही होगा कि तिनका जम न्योता दिया हो हमारे मेहमान। जो तुम गुरु रूपी आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, वो वैसा ही है जैसा कोई तिनका यमराज को न्योता दे कि हमारे मेहमान हो जाओ। तिनके का क्या होगा, तिनके का क्या होगा? तिनका आग को न्योता दे रहा है कि मेरी मेहमान हो जा। तुम किस आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो? तो अच्छा ही है वैसे तुम्हारे लिए, तुम गुरु से द्वेष भी रखो तो द्वेष भी शुभ है, क्योंकि द्वेष के ही जरिए तुम उसके पास तो आओगे, और जब पास आओगे तो जलोगे। हां, कलपते कलपते जलोगे, सहर्ष नहीं जलोगे। ये तुमने खुद छलांग नहीं मारी होगी, तुम अपनी ओर से तो लड़ ही रहे होगे, लड़ते लड़ते जल जाओगे, कोई बात नहीं। कोई ऐसे जलता है, कोई वैसे जलता है। हश्र तो एक ही है तुम्हारा, अपनी मर्जी से मर लो, नहीं तो मार दिए जाओगे। गुरु से सम्मान की इच्छा रखना वैसा ही है जैसा तिनका यम को नौता दे। सबसे सम्मान मांग लेना, गुरु से मत मांगना। दुनिया को तुम चरा सकते हो, बेवकूफ बना लोगे, वो शायर है, अधपगले पिए हुए, उन्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हारी रोशनी का सच क्या है। तुम गुरु से कैसे छुपा लोगे? तो जाओ, जहां से तुम्हें प्रशस्ति पत्र इकट्ठा करने हैं कर लो, जहां से तुम्हें तारीफों के पुलंदे चाहिए बांध लो, गुरु के सामने सर झुका के ही खड़े रहना। चौड़े होके मत खड़े हो जाना कि आप भी कुछ कहिए जरा, दो चार बातें हमारी तारीफ में, वहां जूता ही मिलेगा। एक जैन गुरु था, तो उसके शिष्य थे, तो उनसे सवाल पूछा करता था। तो कहते हैं कि उनमें से एक उसका शिष्य था, गुरु जब भी सवाल पूछे वो तुरंत बड़ी तत्परता से हाथ उठा देता था कि मुझे आता है, मुझे आता है। एक दिन गुरु पास गया, उसकी उंगली काट दी चाकू से, तुझे क्या आता है? और अब तुझे याद रहेगा कि तुझे कुछ नहीं आता है। और ये जो शिष्य था, ये अंततः जापान के सबसे बड़े जैन साधकों में से एक निकला। उसकी कटी हुई उंगली ने उसको कभी भूलने नहीं दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है। गुरु को उंगली दिखाओगे तो कटवाओगे। आशय बहुत स्पष्ट है, तिनका जिम न्योता दिया हो हमारे मेहमान। वो कटना भी शुभ है, ईश्वर करे तुम्हारा जल्दी कटे। वो उंगली नहीं, अहंकार कट रहा है।
जल्दी से हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए कि आता है आता है, हाथ नहीं अहंकार खड़ा हो रहा है।